हमारे यूट्यूब फ्रेंड्स, आज आपको हम जो गज़ल सुना रहे हैं वो गज़ल के लिए थोड़ा अनयूजुअल राग है। उसका नाम है केदार राग। केदार राग में इतनी सारी गज़लें नहीं बनती हैं, लेकिन हमने इसको इस राग में कंपोज किया है तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। इसके शायर हैं जिगर मुरादाबादी साहब और उसके शब्द हैं, नज़र मिला कि मेरे साथ मेरे पास आके लूट लिया, नज़र मिला के मेरे पास आके लूट लिया। इस राग का तो चलन ऐसे है, सा मा पा मा पा धा पा मा रे सा, इसमें दोनों मध्यम लगते हैं, तीव्र भी लगता है। तो ये सुनिए और आपको मज़ा आएगा। आइए अब लोग करते हैं। बहुत खूब, तो आइए अब रुख करते हैं जिगर के कलाम के जाने। बोल हैं, नजर मिला के मेरे पास आके लूट लिया। खवातीनो हजरात, ये गजल मंजू जी अपने शौहर जनाब रविंद्र नारायण साहब को नजर करना चाहती हैं। नाज़रीन, कहते हैं कि जब लफ्ज बोलते हैं तो जुबान हो जाते हैं, तो आइए एहसास जज्बात का आबशार जो इस गजल में गोतजन है, उसके चंद मोती हम भी अपने दामन में समेट लें। लीजिए, पेश है ये गजल। ये गजल केदार राग में है, जो कि मंजू जी के शौहर का पसंदीदा राग है, और जनाब रविंद्र नारायण साहब जो हैं वो इस राग में आलाप बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन आज नहीं, क्योंकि आज तो मंजू जी की महफिल है। लीजिए, समाप्त कीजिए ये खूबसूरत सी गजल। एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि जब नारायण साहब ने मंजू जी को एक मैं मिश्रा कहना चाहूँगा, मिश्रा कहते हैं पंक्ति को, एक मिसरा है जिंदगी मेरी, ये कहा रविंद्र साहब ने, एक मिसरा है जिंदगी मेरी, मतलब ये अज्यूम कर रहे हैं कि जब ये दोनों आमने सामने रहे होंगे तो ये शेर जो है बिल्कुल फिट बैठता है इन लोगों पर। फिर से एक बार गौर फरमाए, नारायण साहब कहते हैं कि एक मिसरा है जिंदगी मेरी, तो मंजू जी कहती है आप चाहें तो शेर हो जाए। एक बार मंजू जी आप उनको बोलिए, एक बार खड़े होके सबको अपनी खूबसूरत शक्ल दिखाएं। बोलने का काम आपका है। एक बार खड़े हो जाइए, एक बार जोरदार ताली बजाइए, शेर पूरा कर दीजिए, एक बार ये शेर बोल दीजिए। तो हम ही शेर पढ़ देते हैं उनके नाम। सब कुछ खुदा से मांग लिया तुमको मांग के, उठते नहीं हाथ मेरे इस दुआ के बाद।